मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय पर भिकनगांव अपरवेदा क्षेत्र में ग्रामीणों और किसानों ने पेयजल की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपर कलेक्टर ने पेड़ पौधे लगाने की सलाह दी। खरगोन में आज भिकनगांव अपरवेदा क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों ने पेयजल की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र में गहराते पेयजल संकट में अपरवेदा बांध जल संकट से निपटने में सहायक सिद्ध हो सकता है। बावजूद इसके अधिकारी डिप्टी कलेक्टर कुछ ज्यादा ही सलाह देते नजर आए। किसानों का ऐसा कहना है कि पानी मांगने पर भगवान से प्रार्थना करने की सलाह दे डाली। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। खेती करने के लिए पानी है ना, पीने के लिए मनुष्य का पानी है, पर यह है कि यहाँ से 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर जो गाँव है वो वहाँ के नहरों के ऊपर पानी छोड़ा जा रहा है, लोकल के लोग पैसे बैठ रहे हैं। अगर भिकनगांव का सर अगर भिकनगांव को पीने की जरूरत होगी तो ही पानी छोड़ते हैं, गाँव के लिए नहीं छोड़ते। नहीं सर, ये है कि सर लोकल के व्यक्ति प्यासा बैठा है, हम लोग सकारात्मक रूप से सोचेंगे, मतलब नहीं सर करवा लेंगे, नहीं सर जल्दी बारिश होने की सर, मतलब नहीं सर करवा लेंगे, नहीं सर जल्दी बारिश होने की सर, मतलब नहीं सर करवा लेंगे, नहीं सर जल्दी बारिश होने की सर। पानी है सर, पानी है उसमें, पानी है सर, पानी है सर। कहने का मतलब है दुआ तो उससे करेंगे, बोला है कि अगर हमको कलेक्टर साहब या कोई भी बड़े अधिकारी बोल देंगे तो हम छोड़ देंगे। पानी है, पानी है, पानी है, पेयजल के लिए रखा है, पर हमको अनुमति किसी से मिल जाएगी तो हम तो छोड़ देंगे, ऐसा बोला है। बात करते हैं।